कहानी है वर्मा परिवार की, जो अपने पुराने मकान को छोड़कर आज नए नए कावेरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले थे। वो होता है ना कि हर दूसरे घर में एक ऐसा कोई होता है जो बिना मुहूर्त देखे पानी भी नहीं पीता। ऐसी ही थी हमारी सरोज देवी। सरोज के निकाले समय अनुसार सभी तैयार होकर निकलने के लिए दरवाजे से खड़े हो जाते हैं। सब आ गए क्या? पर ये रेचल कहाँ जाकर मर गई? एक बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और 1:01 से राहु काल शुरू हो जाएगा। अरे हमें इन्हीं 10 मिनट में कावेरी अपार्टमेंट पहुंचना है। मम्मी जी वो रेचल दीदी वॉशरूम गई हैं। अरे ना जाने क्या बीमारी है इस लड़की को, जब भी कहीं जाना होता है ये पहले ही वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी दौड़ती हुई रेचल वहां आ जाती है। ओ सॉरी सॉरी मम्मी जी मैं आ गई। बड़ी मुश्किल से सभी लड़ते झगड़ते कावेरी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अरे अरे रुको, कोई अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले मेरी बेटी पारुल ही अपने बाएं पैर से घर में प्रवेश करेगी। इस घर में हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस माँ बेटी दोनों ही सब कुछ हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। फ्लैट का इंटीरियर और डिजाइन जितना सोचा था उससे अच्छा बना है मम्मी जी। अरे वो तो बनना ही है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग के सारे आइडियाज मेरी पारुल बेटी ने दिए थे, तो अच्छा तो बनना ही था। इस घर में तुम ही तो हो मम्मी, जिसे मेरा टैलेंट नजर आता है। मुझ में कितना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, वरना बाकी लोगों को बस मेरे कामों में कमी निकालनी है। अरे अरे बस भी करो, तुम लोग नए घर में भी शुरू हो गए? अभी तो गृह प्रवेश की पूजा भी नहीं हुई है। अभी इस लड़ लड़ के सबको बता देना कि तुम कितने बड़े लड़ाकू हो, ताकि शाम के फंक्शन में कोई आए ही ना। अरे भाई हम इस जगह पर नए हैं, तो कम से कम कुछ दिनों तक तो घर में शांति बनाए रखो, वरना सब सेक्रेटरी को कंप्लेंट करके हमें यहाँ से निकलवा देंगे और फिर दोबारा जाकर सड़ना उस पुराने घर में। हाँ सुरेश और सरोज बिल्डिंग के सभी लोगों को अपने घर के गृह प्रवेश के फंक्शन का इनविटेशन कार्ड देते हैं। गृह प्रवेश के फंक्शन में शर्मा परिवार का बेटा पीयूष भी आता है। पहली नजर में ही पारुल और पीयूष एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अरे ओ बहू जरा पीयूष बेटे के लिए पानी तो लाना। मैं देती हूँ ना मम्मी, भाभी को इतने छोटे से काम के लिए क्यों परेशान करना। अरे बेटा पर तुझे अभी तैयार भी तो होना है, देख अभी तो तूने ठीक से मेकअप भी नहीं किया। अरे कितना काम करेगी बेटा, मेरी राजकुमारी बेटी थक जाएगी। वही तो मम्मी जी, सुबह से पारुल दीदी ने नाश्ता खाया, नहाया, ब्रश किया, हाय कितना थक गई है वो। पारुल की हरकतों को सुनकर जहाँ सभी लोग खरी खोटी सुनाया करते थे, वहाँ पीयूष को हंसता देखकर सरोज और सुरेश मन बना लेते हैं कि अपनी बेटी को तो इसी लड़के के पल्लू बांधना है। रात को गृह प्रवेश के फंक्शन के बाद सरोज पारुल से कहती है, दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था पीयूष, मानना पड़ेगा लड़का तो एक नंबर है, एक नंबर है, क्या बोलती हो बहू? बहुत बहुत ही अच्छा लड़का है मम्मी जी, ऐसा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो कहती हूँ फौरन पारुल दीदी के लिए उनसे बात कर लीजिए, इससे पहले कि लड़का हाथ से निकल जाए। अरे बेटी अपने घर चली जाए वही अच्छा है, क्यों है ना रिद्धि, तू क्या बोलती है? हाँ हाँ मम्मी जी, तो फिर ठीक है, अच्छे दिन आते ही मैं पीयूष के परिवार वालों से पारुल के रिश्ते की बात चलाती हूँ। ये सुनते ही रिद्धि और रेचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे पारुल दीदी को तो बेड पर ही चाय का कप पकड़ाना पड़ता था, मैं तो चाहती हूँ जिससे भी हो, किसी लंगड़े लूड़े से, जिससे भी जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाए बस, और मुझे छुटकारा मिल जाए। अरे दीदी मैं तो खुद परेशान हूँ, पर हिम्मत है एक शब्द बोल सकूँ। मम्मी जी ने जो सिर पर चढ़ा रखा है।
पारुल और पीयूष आपस में मिलना जुलना घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले के पारुल के घर वाले पीयूष के घर रिश्ता लेकर जाएं, पीयूष के घर वाले पारुल के घर उसका हाथ मांगने आ जाते हैं। और फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह करके पारुल विदा होकर अपने घर के फर्स्ट फ्लोर यानी अपने ससुराल पहुंच जाती है। वैसे तो पारुल की शादी हो चुकी थी, पर जिसने कभी अपने घर पर एक सी इधर से उधर नहीं की थी वो कहां अपने ससुराल में कोई काम करने वाली थी। अरे बहू, 10 बज गए, सभी मेहमान मुंह दिखाई के लिए आते ही होंगे। उठ रही हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा, सभी आने वाले हैं ना, तैयार हो जा, मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाने के बाद सो जाना। मुंह दिखाई पर सभी मेहमान पारुल के ससुराल पहुँचते हैं। अरे नई बहू कुछ बनाकर खिलाएगी कि नहीं? खिलाएगी क्यों नहीं बुआ, चलो पारुल अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो, सबको पता तो चले कि मेरी पारुल कितनी टैलेंटेड है। पारुल रसोई में जाती है और सोच में पड़ जाती है। अम्मी क्या करूं, मुझे तो नमक और बूरे में भी फर्क नहीं पता। आज तक तो मैं सारा काम भाभियों से करवाती आई हूँ, अब इन सब के सामने मेरी पोल खुल जाएगी। पारुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और फ्लैट के पीछे के दरवाजे से ऊपर अपने मायके चली जाती है। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी जल्दी से दरवाजा खोलो ना। पारुल के मायके में दोनों बहुएं आराम से बैठ बैठ कर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी के लुफ्त उठा रही थी। हाय, ये होती है जिंदगी। अरे नहीं नहीं, ये होती है बिना नंद आजाद जिंदगी। आज मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। पारुल की दोनों भाभियाँ अपनी नंद के जाने की खुशी मना रही होती है कि तभी अचानक उन्हें पारुल की आवाज सुनाई देती है। अरे ये अचानक पारुल दीदी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई दरवाजा खोलेगा, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, कहाँ गए सब? पारुल जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगती है। रिद्धि भागकर दरवाजा खोलती है। दीदी दीदी कल ही तो आप विदा होकर गई थी, इतनी जल्दी अपने मायके नहीं आते? अरे क्या हो गया पारुल बेटा? मम्मी मेरी पहली रसोई है, सारे रिश्तेदार हॉल में बैठे हैं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, जल्दी कुछ करो ना। अरे तू क्यों घबराती है, तेरी दो दो भाभियां हैं, वो करेंगी सारी तैयारी। रिद्धि और रेचल दोनों जाओ और 20 मिनट में खाना तैयार करके पैक करके पारुल को दे दो, पारुल उसे अपनी रसोई में जाकर प्लेट में निकाल लेगी और सबके सामने परोस देगी। अरे किसी को क्या ही पता चलेगा कि खाना किसने बनाया है। अपनी सास की बात सुनकर रिद्धि और रेचल का चेहरा तो चूसे हुए आम की तरह लटक जाता है। दोनों रसोई में बेमन खाने की तैयारी करने में लग जाती हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, नंद की शादी के बाद अब उसकी मुंह दिखाई का खाना भी बनाना पड़ रहा है। हे भगवान, तुझे एक दिन भी मेरी खुशी रास नहीं आई। हे ऊपर वाले, न जाने किस कलम से तूने मेरी किस्मत लिख दी है, ये पारुल नाम का भूत उतरता ही नहीं। अरे दीदी, पहले तो सिर्फ नंद थी, अब इसके पति सास ससुर आए हुए मेहमान सबकी खातिरदारी करो। वही ना, मेरे तो कर्म ही फूट गए, जिस दिन से इस घर में आई हूँ चूल्हा चौका छूटता ही नहीं है। हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे रो रो कर भी क्या फायदा, एक दिन की बात है, बनाकर दे देते हैं, कौन सा रोज रोज बनाना है। क्या ये सच में एक दिन की बात थी? बेचारी रिद्धि और रेचल आगे होने वाले पारुल के अत्याचारों से अनजान खाने की पूरी तैयारी कर खाने को पैक कर पारुल को दे देती हैं, जिसे पारुल मेहमानों को परोस देती है और सबकी वाहवाही लूट लेती है। मान गए पीयूष, तेरी बहू तो 20 मिनट में इतना सारा खाना बनाकर ले आई, वो भी इतना स्वादिष्ट। अच्छा हाथ मारा है तूने,
मनोरमा तुझे तो अब कोई फिक्र नहीं, बोलना तो मैं नहीं चाहती बहू, वैसे मैं यही पास में रहती हूँ। संडे को ना तेरे फूफा जी बहुत परेशान करते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, और अब मुझसे काम होता नहीं, तो तू संडे संडे मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाकर भिजवा सकती है क्या? अरे तू नहीं आ पाएगी तो मैं खुद आ जाऊंगी लेने। क्या बुआ जी, ये भी कोई बोलने की बात है? संडे संडे ही क्यों, हर रोज फूफा जी के लिए सब्जी यहीं से बनकर जाएगी। आराम से लुफ्त उठाइए बुआ जी, वैसे भी मुझ पर कौन सा बोझ पड़ना है, खाना तो भाभियों को बनाना है। रिद्धि और रेचल जहाँ सोच रही थी कि खाना वगैरह बनाना सिर्फ एक दिन की बात है, पर ये एक दिन का खाना पीना तो तूफान आने से पहले की शांति थी। मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर सभी मेहमान अपने घरों को चले जाते हैं। रात के वक्त राजेंद्र मनोरमा से कहता है, और मनोरमा रात को खाने में क्या खिला रही हो? शादी ब्याह के माहौल में वैसे ही बहुत तला बुना खा लिया है। मैं तो रात को खाने में कुछ हल्का ही खाऊंगा। एक काम करो, दाल और रोटी बनवा लो, ज्यादा मसाला ना तबीयत को खराब कर देगा। ठीक है जी, मैं अभी बहू से कह देती हूँ खाना बनाने के लिए। मनोरमा पारुल को आवाज लगाती है, बहू ओरे बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर पारुल बाहर आती है। मम्मी जी, जी आपने बुलाया? बहू जाकर रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे ससुर जी को 9 बजे खाने की आदत है, देर हो जाती है ना तो उन्हें गैस बनने लगती है। हे भगवान, ये खाना बनाने की बात तो घूम फेंकर मुझ पर ही आ गई। अभी अभी तो सभी ने खाना खाया था दोपहर को, मम्मी जी मेरी पहली रसोई के वक्त। अरे तो आप रात का खाएंगे कि नहीं? बहू वैसे ज्यादा कुछ नहीं बनाना, दाल बना ले और हम चारों की रोटी सेक ले। तू तो वैसे भी शताब्दी की स्पीड से काम करती है, 10 मिनट का काम है फिर आराम करना बेटा। पारुल अब बुरी तरह से फंस चुकी थी, पहले तो उसने अपनी भाभियों से काम करा लिया था, पर अब उसका दिमाग नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी सास से कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं 10 मिनट में सारा खाना तैयार कर दूंगी, अभी तो टाइम है खाने में, तब तक मैं छत पर घूम कर आती हूँ। हाँ, घूमने के बहाने पारुल सीधे अपने मायके जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये खाने वाने का चक्कर क्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, घूम फिर कर खाने बनाने की सुई मुझ पर ही आकर रुक जाती है। अभी तो दोपहर में सभी को खाना परोस कर दिया था, फिर खाना कितना काम करूं मैं मम्मी? अरे बेटा क्यों चिंता करती है तू? अरे मैं तो कहती हूँ कि तू तीनों टाइम का खाना यही बनवा लिया कर, तेरी भाभियाँ कब काम आएंगी? अरे जहाँ हम लोगों का खाना बनता है वहीं तुम लोगों का खाना भी साथ साथ बन जाएगा। अरे दो रोटी ज्यादा सेकने में वक्त ही कितना लगता है। दो दो रोटियाँ कहाँ मम्मी जी, पारुल दीदी के ससुराल में तो 4 लोग हैं, और अगर उन्हें इन चीजों के बारे में पता चल गया तो बड़ा कलेश हो जाएगा मम्मी जी। अरे तब की तब देख लेंगे, तुम जाओ दाल और 4 लोगों के हिसाब से रोटी बनाकर पैक कर दो, जाओ जल्दी। पारुल फिर से अपने मायके से ही ससुराल वालों के लिए खाना बनवाकर अपने ससुराल ले आती है और सभी को खिला देती है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। पारुल हर सुबह उठते ही मेन्यू अपनी भाभियों को बता दिया करती और अपनी भाभियों से खाना बनवा कर उसे अपने ससुराल वालों को परोस दिया करती। फिर एक दिन जब पारुल अपने मायके से लाए हुए खाने को निकाल रही होती है, उसी वक्त मनोरमा रसोई में आ जाती है। बहू खाना तो तूने ताजी बनाया है, तो ये खाना तो गैस पर होना चाहिए था ना?
तो ये टिफिन में कैसे चला गया? वो मम्मी जी, आई एम सो सॉरी मम्मी जी। पारुल रंगे हाथ पकड़ी गई थी। वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आता। घबरा मत बहू, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं था कि तू ये रोज रोज खाना कहाँ से लेकर आ रही है? अरे मैं भी कभी नई नई बहू थी, ऐसी कई चाले मैंने भी चली हैं। तो तू टेंशन ना ले, मैं भी तो अपने ससुराल वालों को होटल से खाना मंगाकर खिला दिया करती थी, इसलिए आज तक मुझे खाना बनाना नहीं आया। तू जो कर रही है बिंदास होकर कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाना मिल रहा है, हमें तो खाने से मतलब है। ओ गॉड मम्मी जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। थैंक यू मम्मी जी। वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जैसी पारुल थी उसे वैसे ही ससुराल वाले मिल गए, पर इस बात का असर रिद्धि और रेचल पर पड़ा। वो सुबह 4 बजे उठती थी और रात के 1 बजे तक अपनी नंद के ससुराल वालों की फरमाइशों को पूरा करती रहती। हेलो भाभी, वो ना पीयूष को ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो आप प्लीज इनके लिए 2 दिन का खाना तैयार करके नीचे भिजवा दीजिए। दरअसल मैं मेकअप कर रही हूँ, वरना मैं खुद ही आ जाती लेने। ये लो, सुन लो महारानी के ऑर्डर। अब तो हद ही हो गई है, फोन पर ऑर्डर आता है और हम डिलीवरी बॉय की तरह डिलीवरी लेकर जाते हैं। वही तो, अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सही से खाना भी नहीं खा पाती और ना ही सो पाती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि किस दिन मैंने सुकून से बैठकर खाना खाया था और कब सुकून की नींद ली थी। सुबह की चाय, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना और फिर उसके बाद 11 बजे सबके लिए दूध, और वो भी दो दो परिवारों के लिए उनकी पसंद का। ये क्या मजाक चल रहा है? मैं तो चलती फिरती मिनी रेस्टोरेंट बन गई हूँ। अब तो बात ऐसी हो गई थी कि पारुल के ससुराल वाले जाते तक नहीं थे। जिसका जो मन किया बस फोन घुमा दिया और ऑर्डर दे दिया। सभी बैठकर गप्पे हाक रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। पारुल उठकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर रिद्धि और रेचल। नमस्ते आंटी जी, वैसे तो आप रोज हमारे हाथ का खाना खा रहे हैं, पर इस बार हम चाहते हैं कि आप सब हमारे घर का खाना हमारे घर पर आकर खाएं। तो प्लीज आज डिनर हमारी तरफ से, इस दावत को स्वीकार कीजिए और हमारे घर पधारिए। ये भी कोई बोलने की बात है बेटा, जहाँ खाना वहाँ हम। और बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर पारुल के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी डिनर करने पारुल के मायके पहुंच जाते हैं। अब इन्हें पता चलेगा कि ज्यादा चाबी घुमाने से चाबी टूट जाती है। दरवाजे पर ही रिद्धि और रेचल सभी के लिए पानी लेकर खड़े रहते हैं। जैसे ही मनोरमा पानी के लिए ग्लास उठाती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, ग्लास में तो साबुन लगा हुआ है। अरे अरे बेटा देखो तो, इस ग्लास में तो साबुन लगा हुआ है। और मेरे ग्लास में तो देखो बेटा, कॉकरोच गिरा हुआ है। अरे बहू, ध्यान कहाँ था तुम लोगों का? अरे आइए आइए, आप लोग आइए, गलती हो गई इनसे, अभी बदल देती हैं पानी। सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी रिद्धि एक परात लेकर सभी के सामने जमीन पर बैठकर उसमें आटा गूंदना शुरू कर देती है। और आटा गूंदते हुए वो कभी अपने पैरों को खुजाती तो कभी सिर को। अरे लगता है जुए हो गई हैं, बहुत खुजली हो रही है सिर में। रिद्धि और रेचल के नाटक को और मजेदार बनाने के लिए उसी वक्त रिद्धि के हाथ पर एक मक्खी बैठ जाती है। रिद्धि सभी के सामने मक्खी को मारकर उसी हाथ से आटा गूंदने लगती है। अरे रिद्धि, देख कैसा आटा गूंदा है तूने, तेरे हाथों पर तो आटा लगा ही रह गया। सभी के सामने रिद्धि अपने हाथों को मसल कर उस आटे को गुदे हुए आटे में मिला देती है।
अरे वो क्या है ना आंटी जी, दिन भर काम करते करते हम बहुत थक जाते हैं। अब इतना हाथ धोना, साफ सफाई करने लगे तो फिर हो गया। अरे कितनी बार तो सब्जी बनाते वक्त ना मेरा पसीना भी सब्जी में चला जाता है, इसलिए मैं सब्जी में नमक कम डालती हूँ। वैसे सही रहता है ना नमक? रिद्धि और रेचल की बात सुनकर पारुल के ससुराल वालों को उल्टी आने लगती है और सब के सब उल्टे पाँव वहाँ से अपने घर को रवाना हो जाते हैं। इस दिन के बाद गलती से भी पारुल को रिद्धि और रेचल से खाना बनवाने की इजाजत नहीं मिलती और रिद्धि और रेचल अपनी नंद के अत्याचारों से आजाद हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।